दूसरा वर्ग है कोमल शुद्ध रे और शुद्ध ध। जैसे दिन बढ़ता गया, भैरव थाट, तोड़ी थाट से आता है बिलावल थाट। उसका मैं ले रहा हूं अलैया बिलावल। अलैया बिलावल का एक नेचर अलग है, वो इतना शांत नहीं है। क्यों शांत नहीं है? उसके आसपास में, अलैया बिलावल के स्वर के आसपास में इतने राग हैं, तो बहुत ही टेक्निकल राग है अलैया बिलावल। लेकिन पहला राग है, अलैया बिलावल से शुरू करते हैं कुछ लोग। अलैया बिलावल एक 5 मिनट गाता हूं। का मात्रा कम हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लगाना वो भी बहुत जानकारी होनी चाहिए, गुरुजनों से सीखना चाहिए। है वो इस्तेमाल किया उसका मजा नहीं आता है, कितना इस्तेमाल करे। आज खीर बहुत अच्छा हुआ है, क्यों? उसका प्रपोशन सब ठीक है, इसके लिए अच्छा लग रहा है। तो रागों राग में सभी नोट्स का, सभी स्वरों का प्रपोर्शनेटली वो होना चाहिए। एरी माय रे माया रे।
अब कहाँ गई लो मोरे नंद लाल, अब कहाँ गई लो मोरे नंद लाल, एरी मायरे मायरी एरी मायरे मायरी एरी मायरे इसके बाद प्रस्तुत करना जा रहा हूं कोमल ग कोमलनी के वर्गों में एक बहुत ही बड़ा सुंदर प्रचलित राग भीमपलास। बीस साल से 1993 आई जॉइंड माय गुरुजी पंडित विनायक तुर्वी जी। 94-95 में मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ था, गुलवाड़ी जी तबले पर थे। हमको तब ये गा सकते हैं क्या ऐसे कि हमको मन में लग रहा था, लेकिन उनके ही आशीर्वाद से आज प्रयत्न कर रहा हूं। राग भीमपलास में समय के एक छाया वो रागों पर होता है। दोपहर का टाइम है, बंदिश बीरज में धूम मचाए कान्हा। बच्चे लोग ज्यादातर दोपहर में ही जाते हैं खेलने को, उनके माँ बोलते हैं मत जाओ यार धूप है, पहले से काले हो और भी काला हो जाएगा, फिर भी वो दोपहर में ही जाएगा। कौन कौन, मैं रामकृष्ण आश्रम मंगलोर में पढ़ा था, हमारे स्वामी जी दोपहर में थोड़ा एक घंटा रेस्ट लेते थे, उसी टाइम में हम ज्यादा हल्ला मचाते थे। नहीं, उसका कॉन्फिस के उसके बाद वो जो परिणाम होता है वो अलग होता है। बीरज में धूम मचाए